हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 10th जून 2020। एंड आई नो गाइस कि मैं कुछ दिनों से बहुत डिले चल रहा हूँ। इट्स 18th ऑफ जून एंड आई एम स्टिल ऑन 10th ऑफ जून। सो कुछ दिनों का टाइम दीजिए, मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊंगा और चीज़ें सब कुछ कंटिन्यूस और सिंक्रोनाइज चलेगी। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जीके रिव्यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। सो लेट्स डील विद द फर्स्ट करंट इवेंट ऑफ दिस डे। फर्स्ट वी हैव डैश साइंस MOU विद रोटरी इंडिया फॉर ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रोटरी इंडिया के साथ ताकि ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट को बढ़ावा दे सके? सो इसका आंसर है NCERT। सो NCERT इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, NCERT इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज साइंड MOU विद रोटरी इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट फॉर क्लास 1st to 12th अक्रॉस ऑल NCERT TV चैनल्स। सो NCERT और रोटरी इंडिया ने ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट को बढ़ावा दिया है और ये क्लास 1st से लेकर 12th तक के सारे जो भी कंटेंट है वो NCERT TV चैनल्स पे प्रोवाइड कराएगी। द MOU हैज बीन साइंड डिजिटली विद टाइटल्स। इसके इस चैनल के दो टाइटल्स रहेंगे, एक NCERT TV टाई अप एंड द सेकेंड वन इज दिशा ऐप टाई अप। इट विल एंश्योर ई लर्निंग टू रीच एवरी चाइल्ड विद अप्रूव्ड कंटेंट। इस प्रोग्राम के तहत हर एक चाइल्ड को ई लर्निंग की सुविधा मिलेगी और उसका जो कंटेंट अपलोड होगा उस चैनल के ऊपर वो अप्रूव्ड कंटेंट होगा NCERT से। It will also provide the e-content in Hindi language and special need children along with teacher training content. ये content English में तो हो गई होगा as well as Hindi language में भी provide होगा और जो specially abled children हैं उनके लिए अलग से teaching training session रहेगा। Clear students? चलते हैं next current event पे। Next we have S&P Standard and Poor Global Rating forecasted 5% sink in India's economy by the year 2021. What is the current GDP for final year 21? So Standard और Poor Global Rating ने इंडिया की जो इकोनॉमी फोरकास्ट है उसे 5% श्रिंक होने का दावा किया है और हाल ही में ये करंट GDP कितनी बता रहे हैं। सो हाल ही में करंट GDP 1.2%। सो 1.2% हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पहले GDP थी 6.2%, ये रिड्यूस होकर 1.2% हो गई क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक के कारण। ये एक अमेरिका की मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। S&P ग्लोबल रेटिंग हैज रिलीज फाइनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फटीग एमर्जेस रिपोर्ट ऑन एमर्जिंग मार्केट। इन द रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी इज फोरकास्टेड टू श्रिंक बाय 5% इन फिस्कल ईयर 2021। द करंट फिस्कल ईयर स्टिमुलस worth 1.2% of GDP is not sufficient to provide significant growth support as per the report. Shortcut में ये बताना चाहूँगा कि ये 5% जो गिरावट है वो लॉकडाउन की वजह से आई है, पेंडेमिक के कारण से आई है क्योंकि करेंसी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? और ये बता रहा है कि ये जो 1.2% है GDP का ये सफिशियंट नहीं है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। इट हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ टू जम्प 8.5% इन द फिस्कल ईयर 2021 to 2022 and 6.5% in the fiscal year 2022 to 2023. So इसका ये दावा है कि 8.5% जंप करेगी हमारी GDP 2021 और 22 के सत्र में और 2022 और 23 के सत्र में 6.5% GDP कम हो जाएगी। Dear students, चलते हैं next। क्योंकि ये आप एकदम से उछाल देख रहे हैं 21 से 22, क्योंकि ये सब क्या कि पेंडेमिक की जो भी कंडीशन थी वो नॉर्मल होने के बाद एक बार जो हमारी जो GDP है जंप करेगी फिर वापस डीस्टेबलाइज होगी, एक बार फिर से जो नॉर्मल लेवल से एक बार नीचे चली जाएगी। ये आपको ग्राफ ऊपर नीचे इसलिए दिखेगा क्योंकि पेंडेमिक के कारण जो भी जो दिक्कत आ रही है जो मार्केट जो हमारा जो
नीचे चला गया उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एनजीएमए लॉन्चेस ऑनलाइन नमिशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीएमए। सो एनजीएमए ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नमिशा। ये एक समर आर्ट प्रोग्राम है और आपको एनजीएमए का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑर्गेनाइजेस ऑनलाइन नमिशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम फ्रॉम 8th जून टू 3rd ऑफ जुलाई। सो 8 जून से 3rd ऑफ जुलाई तक ये प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम में क्या सीखेंगे ये भी देखते हैं। इट विल प्रोवाइड अ चांस टू पार्टिसिपेंट एंड आर्ट एंथुसियास्ट टू क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम आर्टिस्ट। इट विल इंक्लूड ऑनलाइन वर्कशॉप सेशंस ऑन पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग एंड इंद्राजल एंड इंटरडिसिप्लिनरी क्रिएटिव वर्कशॉप। इसके अंदर आपके बहुत सारे क्रिएटिव वर्कशॉप्स होंगे, बहुत सारी जो टीचर्स होंगे, आर्ट टीचर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, जो लोगों को बढ़ावा देंगे और उनका जो भी जो स्किल है उन्हें आगे बूस्ट करेंगे। क्लियर है? और ये ऑनलाइन वर्कशॉप सेशन चलेंगे इसके अंदर। द एग्जीबिशन ऑफ सेलेक्टेड आर्ट वर्क विल बी डिस्प्लेड ऑन सोहम्स कल्चर मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ एनजीएमए। सो जो भी जो सेलेक्टेड आर्ट वर्क है उसे सोहम के जो कल्चर मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डिस्प्ले करा जाएगा। और अगर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल की बात करें, इनका नाम है अद्वैता गढ़नायक। आई रिपीट वंस अगेन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इज अद्वैता गढ़नायक। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। इंडिया इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट होल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन द लाइन्स ऑफ कमोडिटी और एनर्जी एक्सचेंज। इट विल प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ओपन मार्केट ट्रेडिंग ऑफ कोल प्रोड्यूस इन कंट्री विद नो बैरियर्स टू फ्री मार्केट एक्टिविटी। दिस विल एंड फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट रिजाइम ऑफ कोल इंडिया वेयर एज स्टेट रन माइनर साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कोल सप्लाई विद कंज्यूमर। अच्छा, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो पहले कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलता था उसके अंदर क्या होता था। जैसे अगर आपको कोल का बिजनेस करना है तो जो हमारी जो सप्लाईज होती थी, जो रिजर्व्स होते थे गवर्नमेंट से, हम वहाँ से कोल परचेज करते थे। सो माइनिंग, कोल माइनिंग ऑप्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब इस कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ओपन कोल माइनिंग ऑप्शन होगा जिसके अंदर हम कोल माइनिंग जो भी जो कंज्यूमर्स है, जो भी जो खरीदना चाहते हैं उनको बेच पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। क्लियर है? पहले पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन करती थी जो भी कोल माइंस है। अब ये कोल माइंस को जो भी जो PSU से अगर वो खरीदना चाहते हैं या इंडिविजुअल बायर है वो खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं। क्लियर है? ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है। जो पहले जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट चलता था कोल इंडिया के, अब उसका एंड हो जाएगा। अब नया आएगा जो कोल कमोडिटी एक्सचेंज, ये एक नया रिजाइम आएगा। सो द गवर्नमेंट इज एमिंग टू ब्रिंग अवॉइडेबल कोल इम्पोर्ट्स टू जीरो बाय 2023 to 2024। सो गवर्नमेंट चाहती है कि जो कम से कम अपन क्या करें, दूसरी कंट्री से कोल इम्पोर्ट करें। और अगर कोल मिनिस्टर की बात करें, ये है प्रहलाद जोशी। सो गाइज, आप मुझे प्रहलाद जोशी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए कि प्रहलाद जोशी की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव, ट्विटर लॉन्चेस न्यू फीचर, उसका नाम बताना है इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस न्यू फीचर जो ट्विटर ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसका नाम है फ्लीट्स। इसका नाम है फ्लीट्स। क्या होगा इसके अंदर, आइए पढ़ते हैं। ट्विटर हैज लॉन्च न्यू टेस्ट फीचर कॉल्ड फ्लीट्स इन इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी फीचर। जैसे आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टोरी फीचर आता है, शॉर्ट स्टोरी डालते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस में अपन स्टोरी डालते हैं, उसी तरह एक नया फीचर है। ये एक टेस्ट फीचर है, अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। इफ इट्स सक्सेसफुल ऑन दिस प्लेटफॉर्म तो सून ही ट्विटर इसे लॉन्च कर देगी। दिस विल अलाउ यूजर्स टू पोस्ट मैसेजेस फॉर 24 आवर्स। और जैसा कि आपके व्हाट्सएप में भी होता है, जो भी आप स्टेटस डालते हो 24 घंटे तक एक्टिव रहता है। ट्वीट विल नॉट हैव लाइक्स, रीट्वीट्स और पब्लिक रिप्लाइज फीचर। इसके अंदर आप लाइक नहीं कर सकते, रीट्वीट नहीं कर सकते, बस किसी की जो फ्लीट है वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंडिया इज द थर्ड टेस्ट मार्केट फॉर फ्लीट फीचर आफ्टर ब्राजील एंड इटली। ब्राजील और इटली के बाद इंडिया थर्ड टेस्ट मार्केट है फ्लीट के लिए। सो इट विल बी अवेलेबल ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द ट्विटर ऐप ओनली एंड नॉट ऑन द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द ऐप। डेस्कटॉप वर्जन पे अवेलेबल नहीं मिलेगा ये फीचर। एंड फ्लीट्स कैन बी सीन ऑन द टॉप ऑफ द होम पेज।
जैसा कि फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जो टॉप पर ही जो स्टोरीज होती है वो दिखती है, तो फ्लीट में भी ऐसा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 प्लेस थ्री इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 200 लिस्ट विद डिप द रैंकिंग दिस ईयर। सो QS ने वापस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी है और इसके अंदर तीन इंडियन इंस्टीट्यूट आए हैं टॉप 200 लिस्ट में, लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि हमने जो रैंकिंग है वो थोड़ी डिप कर दी, हमारी रैंकिंग और नीचे गिर गई है। क्लियर है? करंटली साइमंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, बहुत बड़ी रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है। आइए देखते हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, इनकी क्या रैंकिंग्स है। सो IIT बॉम्बे इज रैंक्ड 172 रैंक इन 2020 फ्रॉम 152 लास्ट ईयर। सो पिछले साल 152 रैंक थी, अब गिर के 172 हो गई, फॉलोड बाय IISc बेंगलोर जिसकी 185 रैंक हो गई जो पिछले साल 184 थी, और IIT दिल्ली की 182 थी पिछले साल लेकिन अब 193 हो गई। सो इट रेटेड वर्ल्ड्स टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज दैट हैज 21 इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज MIT US ने टॉप किया है इस लिस्ट में, फॉलोड बाय स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड। सो सबसे पहले MIT, फिर हमारे पास स्टैनफोर्ड और थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इंडिया की कौन सी तीन इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट है हमारे पास IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव विच टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे अनन्या। सो कौन सी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया जिसका नाम है अनन्या। सो इसका नाम है DIAT, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पुणे हैज डेवलप्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जिसका नाम है अनन्या। सो ये क्या काम आएगा? इट कैन बी यूज ऑन मास्क, PPE किट्स, हॉस्पिटल लाइनेंस, जो हॉस्पिटल के जो क्लोथ्स और जो मटेरियल्स होते हैं, एंड अदर कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस लाइक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एलिवेटर बटन्स, डोर नॉब्स, कॉरिडोर एंड रूम्स को सैनिटाइजेशन के लिए। क्लियर है? सो अनन्या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया गया है डायट द्वारा। खासियत क्या है इसकी, ये पढ़ते हैं। इट इज अ वाटर बेस्ड स्प्रे एंड विल बी इफेक्टिव फॉर मोर देन 24 आवर्स। एक बार आप स्प्रे कर देते हैं तो वो जो इसकी जो एक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस है, वो 24 घंटे तक बरकरार रहेगी। इट इज नॉन टॉक्सिक फॉर ह्यूमन, कुछ भी टॉक्सिक नहीं है, एंड हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ मोर देन 6 मंथ। इसकी खुद की जो सेल्फ लाइफ का मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितना यूजेबल है। क्लियर है? जैसे इसकी खुद की एक्सपायरी डेट है 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव एथलीट गोमथी मरिमुथु बैंड फॉर डोपिंग चार्जेस, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो गोमथी मरिमुथु, हाल ही में इनको बैंड किया गया है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड नैंड्रोलोन। सो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं? शी इज रिलेटेड टू डिस्टेंस रनर से रिलेट करते हैं। 800 मीटर चैंपियन गोमथी मरिमुथु has been banned for 4 years for violating anti-doping rules. She bagged gold medal in 800 meter track in 2019 Asian Athletic Championship. और इनके जो भी medals है, titles है, ranking points है, prize है, ये सब क्या forfeited king करे जाएंगे, जब्त किए जाएंगे। लेकिन इनके पास चांस है कि ये court of arbitration for sport में अप्रोच कर सकते हैं। Every athlete, जो भी sports person है जो banned हो चुका है doping के कारण, तो उनके लिए एक अलग से कोर्ट होता है ताकि वो अपनी जो समझाइश है कि वो समझाना चाहते हैं कि किस कारण से उन्होंने लिया है, क्या उन्हें तकलीफ है, सो जो ये मैटर है वो रिजॉल्व हो सके उनके खुद के एंड से। सो शी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। शी इज फाइंड विद 1000 यूरो टूवर्ड्स लीगल एंड अदर एक्सपेंसिस टू एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। लेडीज स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which IIT has developed mobile application titled Fleezy for seamless and contactless air travel? So, कौन सी IIT ने हाल ही में डेवलप किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है Fleezy?
इसके अंदर आप सीमलेस एंड कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रेवल, मतलब आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं, पार्किंग स्लॉट ढूंढ सकते हैं, एयरपोर्ट पे क्या अवेलेबल है, कितना रश है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। सो IIT गुवाहाटी, इसका आंसर है IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लिजी फॉर सीमलेस एंड कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रेवल। इट इज़ डेवलप्ड एज पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA गाइडलाइंस के द्वारा ये बनाया गया है। इट विल कॉन्टेक्टलेस बोर्डिंग, ईजियर बैगेज ड्रॉप, जो भी आपके जो बैगेज ड्रॉप है वो कहाँ पे पिक करना है वो सब अवेलेबल होगा। मैनेजेबल पार्किंग, बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, फ्लाइट नोटिफिकेशन, मैप ऑफ एयरपोर्ट एंड नेसेसरी अपडेट्स ड्यूरिंग द होल जर्नी, ये सब सर्विसेज इस ऐप के अंदर मिलेगी। इसका यूजर इंटरफेस है बहुत ही ईजी एक्सेस में कर सकते हैं अपन, और एल्डरली पीपल भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर ये है कि इसके अंदर मल्टी करेंसी पेमेंट्स आप कर सकेंगे। क्लियर है? सो IIT गुवाहाटी हैज डेवलप्ड दिस मोबाइल एप्लीकेशन प्लीजी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच कंट्री मिलिट्री टू यूज फेसबुक टू काउंटर फेक न्यूज? तो कौन सी कंट्री की मिलिट्री ने हाल ही में ये बताया है कि वो फेसबुक यूज करेंगे टू काउंटर फेक न्यूज? तो इसका आंसर है म्यांमार। सो म्यांमार मिलिट्री तत्मादो इज ऑल सेट टू यूज फेसबुक टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज टू पीपल काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। फेसबुक हैड रिमूव्ड सेवरल अकाउंट्स लिंक्ड टू द म्यांमार मिलिट्री इन 2018 ड्यू टू द UN फैक्ट मिशन ब्लेमिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन द रखीन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। सो फेसबुक ने पिछले साल नहीं 2018 के अंदर म्यांमार मिलिट्री के बहुत सारे अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि इन पे एक एविडेंस था, उसके प्रूफ के साथ एविडेंस था कि ये ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है, वो रखीन प्रोविंस है, इस पे अत्याचार कर रहे हैं। आपको पता ही है रखीन प्रोविंस के बारे में। फेसबुक ऑल्सो रिमूव 425 फेसबुक पेजेस, 17 ग्रुप्स एंड 135 फेसबुक अकाउंट्स एंड 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स लिंक टू द म्यांमार मिलिट्री। तो 425 फेसबुक पेज, 17 ग्रुप, 135 फेसबुक अकाउंट, 15 इंस्टाग्राम अकाउंट, सब कुछ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर है? और इसकी कैपिटल है नाइपाइदो। क्लियर है? इफ आई एम रॉन्ग इन द प्रोनंसिएशन मुझे माफ कर दीजिएगा, नाइपाइदो। और आपको मुझे करेंसी बतानी है म्यांमार। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट भी है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चारण सेठी पास्ड अवे इन भुवनेश्वर, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं अर्जुन चारण सेठी, जो कि 79 ईयर्स के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पास्ड अवे भुवनेश्वर है ज़्यादातर, मतलब ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे जिस सिटी में ये पास्ड अवे हैं उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है और कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हर बार ये तुक्का मत लगाइएगा कि जिस सिटी में जो कोई पर्सन की डेथ हो जाती है वो उसी स्टेट से बिलोंग करता है। क्लियर है? इस केस में तो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। ये आज का लास्ट करंट अफेयर्स है, आइए पढ़ते हैं। CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज लॉन्च फ्लैगशिप प्रोग्राम टाइटल्ड तुरंत कस्टम्स एट विच टू स्टेट्स? तो CBIC ने हाल ही में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स, कौन से दो राज्य में? इनका नाम है बेंगलुरु एंड चेन्नई। क्या होगा इसके अंदर, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इट इज़ अ मेगा रिफॉर्म टू फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय फैसिलिटेटिंग फास्टर कस्टम क्लियरेंस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। अंडर दिस इम्पोर्ट्स विल गेट क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स आफ्टर फेसलेस असेसमेंट बाय ऑफिसर्स लोकेटेड आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। अब जो कस्टमर्स का जो कस्टम क्लियरेंस है, जो इम्पोर्टेड गुड्स की जो कस्टम क्लियरेंस होती है, इसमें एक इजीनेस आ जाएगी, मतलब आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा जो भी आपका जो ऑफिस है वहाँ पे, आपकी जो फेसलेस असेसमेंट हो जाएगा, इससे आपका जो भी कस्टम क्लियरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। सो इट विल बी इनिशिएटेड ऑल ओवर द कंट्री टिल 31st December 2020। सो 31st December 2020 तक ये माना गया है कि ये पूरी कंट्री में लागू हो जाएगा। और अगर CBIC के अगर चेयरमैन की बात करें, इनका नाम है M. अजीत कुमार। सो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज M. अजीत कुमार। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।